नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। क्या धरती पर वापस आ गया है डायनासोर? चीन में मिला 7 करोड़ साल पुराना अंडा। वैज्ञानिकों ने चीन में डायनासोर के एक अंडे का जीवाश्म बरामद किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस अंडे के अंदर बेहद अच्छी तरह से संरक्षित डायनासोर का भ्रूण है। माना जा रहा है कि डायनासोर का अंडा 66 से 72 साल पुराना हो सकता है, यानी 7 करोड़ 20 लाख साल पुराना यह अंडा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस भ्रूण को बेबी यांगलियांग का नाम दिया है। वैज्ञानिकों को यह अंडा चीन के जिग्यांसी प्रांत के गाझोऊ शहर में मिला है। यह अंडा गाझोऊ शहर के शाहे औद्योगिक पार्क में हेकोव फॉर्मेशन की चट्टानों में पड़ा मिला है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने मिले भ्रूण के बारे में कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि डायनासोर का यह भ्रूण ओविराप्टोसॉर प्रजाति से संबंधित है। इस प्रजाति के डायनासोर के दांत नहीं होते बल्कि चोंच होती है। ओविराप्टोसॉर प्रजाति के डायनासोर पंखों वाले थे और यह एशिया और उत्तरी अमेरिका की चट्टानों में पाए जाते थे। इनकी चोंच और शरीर का आकार अलग अलग होता था, इससे वह आहार की एक विस्तृत श्रृंखला को खा सकते थे। चीन में पाया गया डायनासोर का यह भ्रूण अब तक सबसे पूर्ण ज्ञात भ्रूण है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों को मिला यह भ्रूण जन्म लेने ही वाला था, क्योंकि उसका सिर उसके शरीर के नीचे था और अंडे के आकार के मुताबिक उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। सिर के दोनों तरफ पैर मौजूद थे। आधुनिक पक्षियों में ऐसी मुद्रा टकिंग के दौरान देखने को मिलती है। टकिंग एक प्रक्रिया होती है जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करती है और यह एक सफल हैचिंग के लिए बेहद जरूरी होती है। बेबी यांगलियांग में ऐसे व्यवहार की खोज की गई है, जिससे जानकारी सामने आई है कि पक्षियों के लिए यह एक अद्भुत नहीं है। इसका विकास शुरुआती नॉन एवियन थेरीपोड डायनासोर के बीच हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के जीवाश्म विज्ञानी फियोन बैसम माई और उनके सहयोगियों ने यह शोध किया है कि उनका कहना है कि डायनासोर के भ्रूण सबसे दुर्लभ जीवाश्म है, जो अधिकतर बिना हड्डियों के होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि डायनासोर के अंत के बाद ही मनुष्य की धरती पर उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।